मासूम बच्ची के साथ रोज रोज अश्लील हरकत करने वाले आरोपी दरोगा की घरवालों ने पकड़कर धुनाई कर डाली। हल्द्वानी के दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी से पुलिस विभाग को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां लोगों ने पुलिस वाले को मासूम बच्ची के साथ छेड़खानी करने के आरोप में जमकर पीट डाला। आरोपी हल्द्वानी के मुखानी थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर है। पीड़ित बच्ची के घर वालों का आरोप है कि वह लंबे समय से मासूम के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। तंग आकर घर वालों ने उसकी हरकत का पहले वीडियो बनाया और फिर उसे पकड़कर पीट डाला। दुर्गा की पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर अब काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, पूरा मामला हल्द्वानी के मुखानी थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर मदन सिंह परिहार से जुड़ा है। आरोप है कि मदन सिंह लंबे समय से एक दुकानदार की बच्ची के साथ अश्लील हरकत कर रहा था। बच्ची के घर वाले उसकी हरकत से परेशान हो गए थे, इसलिए उन्होंने आरोपी दरोगा को पकड़ने की योजना बनाई। बच्ची के घर वालों ने दुकान में कैमरा लगा दिया। रोजाना की तरह बीते दिनों जब आरोपी मदन सिंह परिहार फिर दुकान में आया तो उसने बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया। दुकान में लगे कैमरे में उसकी शर्मनाक करतूत कैद हो गई। आरोपी दरोगा की करतूत का वीडियो मिलने के बाद बच्ची के घर वालों ने रविवार को उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद उसकी जमकर धुनाई कर डाली। आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि बच्ची के घर वाले किस तरह से दरोगा की पिटाई कर रहे हैं। इस दौरान आरोपी बचाव की कोशिश भी करने में लगा है, लेकिन बच नहीं सका। घर वालों ने उसे पेड़ से बांधकर पीटने की कोशिश की। इसी दौरान किसी ने मामले की सूचना स्थानीय थाने को दे दी। पुलिस के पहुंचते ही पीड़ित के परिजन ने आरोपी दरोगा को पुलिस के हवाले कर दिया। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल एंक्स न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। तब तक के लिए बने रहिए, स्टे ट्यून्ड।